Hey everyone, I am Aditya from Mayon IAS Academy and we will continue our series. Clear? तो आज हम जो पर्सनालिटी की बात करने वाले हैं उनको कई टाइटल से सम्मानित किया है या कई टाइटल से उन्हें जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल करुणा सागर, फॉर एग्जाम्पल विद्यासागर. तो हम जिस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. एज यूजल हम इनको चार अपने बेसिक पैरामीटर्स पे इनको डिकोड करेंगे. फर्स्ट वन इज उनकी पर्सनल लाइफ, सेकेंड जो सबसे हाईलाइटेड होता है कोई भी पर्सनैलिटी का, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. थर्ड करंट लिंकेज, इफ करंट सीनियर में उनका नाम को लेकर कुछ उथल पुथल हो रहा है वो हम देख लेंगे. एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन टारगेट करेंगे जो प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके बारे में पूछा गया है ये पर्सनैलिटी से oriented और आगे आने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे. नाउ पर्सनल लाइफ की बात किया जाए तो इनका नाम है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय. इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 26 सितंबर 1820 में. कहां? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि वो समय का बंगाल में था. क्लियर? ये एक काफी गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ है. इनके पेरेंट्स काफी रिलीजियस थे. गरीबी होने के बाद भी इन्होंने अपनी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा और इन्होंने मेहनत किए और इन्होंने संस्कृत कॉलेज ज्वाइन किया. कब से कब? 1829 से लेके 1841 यहां इनकी पूरी स्कूलिंग हुई है. और देखते ही देखते उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में कमांड पा लिया है, देखिए. ही लर्न्ड वेदांता, व्याकरण, लिटरेचर, स्मृति, इथिक्स, ये सारी चीजों का नॉलेज उन्होंने ले लिया. मतलब इसीलिए इन्हें विद्या का सागर कहा गया. इतने सारे नॉलेज, इतने सारे सब्जेक्ट का इनको नॉलेज था. नाउ अब क्वेश्चन इज कि इनको विद्यासागर ये टाइटल कहां मिला, कैसे मिला? तो उन्होंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था और वो कंपटीशन किससे रिलेटेड थी? टू टेस्टिंग द नॉलेज इन संस्कृत. कब? 1839 में. एंड ये कंपटीशन वो जीत जाते हैं एंड यहां उनको टाइटल मिल जाता है व्हाट ऑफ विद्यासागर. विद्यासागर को अगर डिकोड करना जाए तो इट इज अ ओशन ऑफ नॉलेज. देख रहे हो हमारे साहब कितने खुश है. और साथ ही साथ इन्होंने यही साल अपना लॉ का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया था. एज आई सेड ही वॉज है ना डिसिपल, या फिर ये राजा राम मोहन रॉय जी से काफी प्रेरित थे एंड ही डिसाइडेड टू सर्व हिज एंटायर लाइफ फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. नाउ अब अगर इनकी करियर की बात किया जाए तो इनका करियर 21 एज में स्टार्ट हुआ था. कब? जब उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया एज एन हेड पंडित ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट. एंड 5 साल वो वहां उन्होंने काम किया एंड उन्होंने वहां रिजाइन किया और उन्होंने नया कॉलेज ज्वाइन किया, दैट इज संस्कृत कॉलेज एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी. कब? 1846 में. एंड जैसे ही उन्होंने अपने पोस्ट संभाली तो उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडिया से कुछ अच्छा काम, अच्छा मैनेजमेंट का काम करना स्टार्ट किया. कहां? संस्कृत कॉलेज में. और यही चलते उनका और मैनेजमेंट के साथ क्लैश हो जाता है, अनबन हो जाती है एंड ये सब देखते हुए वो रिजाइन कर देते अपने ये पोस्ट से एंड वापस चले जाते हैं कहां? विलियम कॉलेज फोर्ट में. क्लियर? नाउ ये सब होते रहता है. देन विद इन अ ईयर जो हमारे संस्कृत कॉलेज के जो मैनेजमेंट है वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनको फिर से वापस बुलाते हैं एंड ही अगेन ज्वाइन व्हाट? संस्कृत कॉलेज. बट उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं ये कॉलेज का जो ये सिस्टम है इसको डिजाइन करूंगा, आप अगर ये मेरी बात मानते हो तो मैं ये कॉलेज को ज्वाइन करता हूं. तो उन्होंने सब ये बात मानी और उन्होंने अपनी तरीके से रीडिजाइन किया पूरा स्ट्रक्चर, हम ये आगे देखेंगे. क्लियर? एंड देखते ही देखते इन 1851 वो प्रिंसिपल बन जाते हैं संस्कृत कॉलेज के. एंड संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी उनके लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं. देन 1855 में वो स्पेशल इंस्पेक्टर भी बनते हैं और क्या काम लेते हैं वो? टू ओवरव्यू द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इन ईच स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. क्लियर? तो वो इंस्पेक्टर भी बनते, एजुकेशन इंस्पेक्टर भी बनते, ये रहे हमारे साहब. क्लियर? अब ये तो हो गया उनके करियर के बारे में. अब जो सबसे रिमार्केबल या हाइलाइटेड बात होती है कोई भी पर्सनालिटी रिलेटेड, दैट इज कंट्रीब्यूशन. तो इनके कंट्रीब्यूशन को हम डिकोड करेंगे दो फॉर्म में, दैट इज एजुकेशनल रिफॉर्म क्या लाए इन्होंने और सेकेंड वन इज सोशल रिफॉर्म क्या लाए. नाउ अब हम उनका एजुकेशनल रिफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले उनका ये मेन पिलर था एजुकेशन रिफॉर्म में कि हमें मॉडर्न इंसाइट हमारी एजुकेशन सिस्टम में लाना होगा. एज आई सेड कि वो प्रिंसिपल बनते हैं कौन से? संस्कृत कॉलेज के. तो उन्होंने कौन से स्टेप लिए उसको हाईलाइट कर लेते हैं. सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंग्लिश एंड बंगाली ये मीडियम होना चाहिए लर्निंग, किसके साथ साथ? संस्कृत के साथ साथ. सेकेंड उन्होंने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस द यूरोपियन कोर्सेज इन द करिकुलम ऑफ द
एजुकेशन, कौन से उन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री को इंपैक्ट किया, इंपार्ट किया, फिलोसॉफी को इंपार्ट किया, साथ ही साथ साइंस भी इंपार्ट किया, अलोंग विथ होम वैदिक स्क्रिप्चर के साथ, जो वेद पुराण जो भी एजुकेशन हमारा चलता था ट्रेडिशनल में वो तो चल ही रहा है, बट साथ ही साथ उन्होंने ये सारे कोर्सेज भी इंपैक्ट किए उसमें या इनकलकेट किए उन्होंने. क्लियर. एंड लास्ट वन इज ही एनकरेज स्टूडेंट टू परस्यू दिस सब्जेक्ट. और उन्होंने ये सब्जेक्ट सिर्फ इनकलकेट नहीं किए, बच्चों को समझाया कि ये जो सब्जेक्ट है इनका इंपॉर्टेंस भी क्या है. क्लियर. अब ही उन्होंने कुछ एडमिशन के चेंज लाए. पहले संस्कृत जो ये कॉलेज था इसमें सिर्फ अपर ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते थे, बट इन्होंने ये जो रिक्वायरमेंट है इसको हटाया और इन्होंने सारे गेट्स खोल दिए संस्कृत कॉलेज के. फॉर हुम? फॉर नॉन ब्राह्मणिकल स्टूडेंट. आप देख रहे हो वो समय पे ये काम करना बहुत ही मेहनत वाला काम है. इसका इनका क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ, बट पर्सनालिटी इज एन अ पर्सनालिटी. क्लियर. ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन फी एंड ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कलकत्ता. ही इंट्रोड्यूस व्हाट? संडे एज एन अ वीकली हॉलीडे एंड समर वैकेशन भी होना चाहिए इन द मंथ ऑफ मे एंड जून. ये जो सिस्टम है ये भी हमारे ये साहब ने लाया है. क्लियर. ही सेट अप द नॉर्मल स्कूल. उन्होंने टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए, उन्होंने टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी नए स्कूल खोले. आप देख रहे हो इनका मेन सोल पर्पस था कि एजुकेशन का लेवल बहुत तरीके से और बहुत स्मूथली तरीके से अच्छा और स्ट्रांग होना चाहिए. ना आगे बढ़ते हैं. वुमन एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? ही एडवोकेट वुमन एजुकेशन. उनका तो सोल मकसद था कि हाँ लड़कियों को पढ़ाओ. सेकेंड वर्ज ही, अब ये बोल तो दिया उन्होंने, अब ये आसानी से होगा क्या? नहीं. वो सबके घर में डोर टू डोर गए और पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है. अगर कोई एक लड़की अगर पढ़ जाती है तो उससे ऑटोमेटिकली घर सुधरता है, घर सुधरेगा तो सोसाइटी, एंड सोसाइटी सुधरेगा तो नेशन सुधरेगा. ये वो बातें कन्विंस कर रहे हैं सारे पेरेंट्स को. क्लियर. और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 35 स्कूल फॉर वुमन्स खोल दिए. एंड कितना इनरोल हुआ था? 1300 स्टूडेंट की इनरोलमेंट लाई थी. ये बहुत ही अचीवेबल बात है जो इनके लाइफ से या इनके कंट्रीब्यूशन से हमें दिख रहा है. ये तो हो गया उनका एजुकेशन के बारे में. अब उनका सोशल रिफॉर्मर देखते हैं जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है. ही वोकल अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी. मतलब इन्होंने वुमन के बारे में, वुमन की सिचुएशन क्यों खराब है, क्या खराब है, क्यों खराब है, ये जानने की कोशिश की और इसमें सुधार लाने की कोशिश की. क्लियर. He initiated to concept of widow remarriage. He was the man जिन्होंने ये concept लाया था, one of the man जिन्होंने ये concept लाया था कि हाँ widow remarriage होना चाहिए. और he challenged the ब्राह्मणिकल सोसाइटी. अब ये widow remarriage होना ये वो समय के ऊपर या आगे सोचने वाली सोच का ये नतीजा है. उन्होंने सोच तो लिया विडो रीमैरिज होना चाहिए, बट ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सोसाइटी लोग इनको टारगेट करने लग गए. बट इनको रिटेलिएट सेम एज राजा राम मोहन राय जैसे इन्होंने किया. इन्होंने ब्राह्मणिकल सोसाइटी या लोगों को समझाया कि हमारे वेद पुराणों में ही लिखा है कि विडो रीमैरिज ये कंसेप्ट पहले से प्रिवेलेंट है. मतलब उन्होंने ऑर्थोडॉक्स लोगों को वेद का सहारा लेके इसको रिटेलिएट किया. नाउ इन्होंने सिर्फ ये बोला नहीं है, ये सिर्फ एडवोकेट नहीं किया है, इन्होंने इसका एग्जांपल भी सेट किया है. इन्होंने अपने बेटा दैट इज नारायण की शादी कर दी थी एक विडो के साथ इन 1870. इतनी मेहनत करने के बाद, इतना मेहनत, इतना एनकरेज, इतना जागरण करने के बाद, इतना लोगों को समझाने के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है. और इन द एंड ब्रिटिशर्स को वो काफी पिटिशंस लिखते हैं. इन द एंड ऑन जुलाई 26, 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हो जाता है. मतलब विडो रीमैरिज को एक लीगल बैकिंग आ जाती है. ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है. इन्होंने और एक जो प्रथा काफी प्रिवेलेंट थी वो थी कुलीन ब्राह्मीन पॉलीगैमी. मतलब लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो एक ओल्डर पर्सन वॉज एबल टू मैरी विथ अ यंगर वुमन या फिर फीमेल. मतलब लेमन लैंग्वेज में समझेंगे कि वो समय में एक प्रथा ऐसी थी कि बड़ा वयस्कर आदमी या फिर एजेड मैन कैन एबल टू मैरी विथ एन अ यंगर गर्ल्स. तो ये प्रथा, ये पॉलीगैमी के प्रथा को भी इन्होंने बहुत दबाकर क्रिटिसाइज किया है. क्लियर.
पब्लिकेशन की बात किया जाए तो इन्होंने काफी वक्त लिया है, बहुविवाह, बोधि विवाह, बोधि भाव विवाह, बहुविवाह। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको इसका ट्रिक दे देता हूं। जहां भी विवाह, कोई भी क्वेश्चन में अगर विवाह रिलेटेड अगर विवाह इज एन अ बंगाली वर्ड, इट रिसेम्बल टू द विवाह, अगर विवाह कहीं अगर आ रहा है पब्लिकेशन में नाम, तो हमें आग बंद करके किनका नाम टिक करना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। क्लियर। नाउ इनका और एक बात है जो इन्होंने बहुत लिटरेचर के लिए बहुत काम किया, इन्होंने दो किताबें लिखी है, दैट इज उपकार मोनिका एंड व्याकरण कमुदी, ये किताब इन्होंने लिखा है। अब ये किताब लिखने का क्या पर्पज है, इन्होंने संस्कृत जो सबसे टफ लैंग्वेज है उनको ये किताबों के माध्यम से काफी इजी वर्ड में बंगाली में डिकोड किया है, मतलब ही डिकोडेड द संस्कृत लैंग्वेज इनटू द बंगाली लैंग्वेज, तो उसको लिए उन्होंने ये दो किताबें लिखी है, पब्लिश की है। सेकेंड, उन्होंने बोर्नो परिचय ये किताब लिखी है, तो ये किताब लिखने का क्या मकसद था, सुनिए, द एलिमेंट्री लेवल बुक लर्निंग फॉर द बंगाली अल्फाबेट समझने के लिए ये किताब लिखी है, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये किताबें आज भी यूज की जाती है। क्लियर। नाउ इनके आइडियाज थे, अब इनके आइडियाज को प्रपोगेट करने के लिए ये काफी पब्लिकेशन के साथ भी एसोसिएटेड थे, तो ये तीन मेन पब्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड थे, विच वन, तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश एंड हिंदू पेट्रोइट। और इतना मेन कंट्रीब्यूशन, इतनी मेहनत करने के बाद हमारे ये जो बहुत अच्छे ज्वेल है या फिर बहुत अपनी पर्सनालिटी की डेथ होती है, कब, ऑन 29 जुलाई 1891 एट एज ऑफ 70 ईयर्स। और इनकी डेथ को रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक अच्छे पर्सनालिटीज है, उन्होंने एक कोट इनके लिए लिखा था, दैट इज, वन वंडर्ड हाउ गॉड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द 40 मिलियन बंगाली प्रोड्यूस द मैन, मतलब मैं आश्चर्य हूं भगवान के कि उन्होंने 40 मिलियन बंगाली बनाने के सिलसिले में एक ऐसा महान पुरुष कैसे जन्म ले लिया या कैसे बनाया, ये सोल पर्पज है ये कोट का। क्लियर। ये तो हो गया उनका कंट्रीब्यूशन, और हमने इजीली डिकोड भी कर दिया उनकी पर्सनल लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन। नाउ करंट लिंकेज, तो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो उनका कोलकाता का घर है उनको वो म्यूजियम में कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो सबसे हाईलाइटेड है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाने वाली है, कब से कब, 2022 से लेके 2023 तक। कौन लॉन्च किया है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये लॉन्च किया है IIT खड़गपुर ने। क्या मकसद है, ये IIT में जो भी बच्चे, जो टॉप 100 बच्चे हैं जो कि पास होंगे इन JEE एडवांस, उन सारे बच्चों को ये फ्री एजुकेशन देंगे जब तक इनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, चाहे 4 साल की इंजीनियरिंग इनकी कंप्लीट नहीं हो जाती, ये सारा फीस, इनका सारा रहना पीना खर्चा ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम फंडेड करेगी। क्लियर। तो ये याद होना चाहिए, कई बार पूछा जा सकता है। Now, हमारा लास्ट पैरामीटर इज क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद्र सागर इज नॉट करेक्ट। याद रखे, हमेशा देखे कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, विद्यासागर सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज। हाँ, राइट, ही रिसीव्ड द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कॉलेज कोलकाता। नहीं, हमें पता है विद्यासागर उन्हें संस्कृत कॉलेज में मिली है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ। ही वॉज इंटरेस्टिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमन एजुकेशन। हाँ, हमने देखा वुमन एजुकेशन के लिए वो ज्यादा प्रायर थे। एंड विद्यासागर डिफाइंड विडो रीमैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस अबाउट द स्क्रिप्चुअल सपोर्ट। नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट भी रही रॉन्ग है। उन्होंने तो यूज किया है स्क्रिप्चर्स का, वेद का, पुराण का, कि हाँ वेद पुराणों में लिखा है कि विडो रीमैरिज ये प्रथा चलती आ रही है। तो हमारे ऑप्शन कौन से रॉन्ग हुए, सेकेंड एंड फोर्थ, और हमें पूछा क्या है, नॉट करें, तो राइट आंसर विल बी 2 and 4। क्लियर, दैट इज ऑप्शन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर फर्स्ट लॉफुल हिंदू विडो रीमैरिज अमंग द अपर कास्ट इन इंडिया। ऑप्शंस आर राजाराम मोहन रॉय, सेकंड केशव चंद्र सेन, थर्ड वन इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड लास्ट वन इज गोपाल कृष्ण गोखले, एज वी स्टडीड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट सी। Now next question, this will be the homework for you. Which of the following contribution of Ishwar Chandra Vidyasagar made him the true follower of Rajaram Mohan Roy and in a way most common aspect in both of the them? मतलब उनके common aspect क्या थे, यह हमें बताना है। तो options are protest against the child marriage, second is advocacy the widow remarriage, and last one is campaign against the polygamy. तो it will be the question, जो right answer है please comment section में आप लिख लीजिए।
एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश एज आई सेड सोम प्रकाश इज एडवोकेटेड बाय होम ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो राइट आंसर विल बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आई थिंक 2016 या 17 में पूछा गया क्लियर एंड लास्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बंधु बहु विवाह राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर पंडित रामाबाई एंड रविन्द्रनाथ टैगोर तो इट विल बी द होमवर्क फॉर यू जो राइट आंसर हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए इफ आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहे हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू